गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट, आज से आपको आपका रिवीजन वर्क इंग्लिश में करवाया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान देंगे इंग्लिश की कॉपी में, या फिर आप एक न्यू पतली सी कॉपी बना लीजिए रिवीजन कॉपी, या फिर आप इंग्लिश की कॉपी में पेज को फोल्ड करके रिवीजन वन मेंशन करेंगे और उसके बाद से सारे रिवीजन वर्क राइट करेंगे इंग्लिश की कॉपी में। सभी बच्चे ध्यान दें, आज आपको इंग्लिश में रिवीजन वन पोएम करवाया जा रहा है। आपको दो पोएम दी जाएगी राइट करने के लिए, उसको आपको रिवीजन वन पोएम राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपने इंग्लिश फेयर की कॉपी में पेज फोल्ड कर देंगे और उसके बाद से रिवीजन वर्क राइट करना स्टार्ट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, रिवीजन वन और डेट मेंशन करनी है, उसके बाद से फोर लाइन पोएम आपको इंग्लिश रिवीजन नोट्स में लिखना है। आप अपने इंग्लिश के नोट्स में पेज को फोल्ड करके रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, डेट ज़रूर मेंशन करिए जिससे आपको प्रॉपरली डेट वाइज आपका रिवीजन मिलता रहे। बच्चों, हमें रिवीजन वन में क्या करना है, पोएम लिखनी है। चैप्टर टू का हम पोएम पहले लिखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है वो बच्चे ध्यान दें, आप नोट्स में ही काम करेंगे जिससे आपको सारा काम एक ही नोट्स में रहे और आप उससे अच्छे से लर्न कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट, आपको चैप्टर टू से फोर लाइन पोएम राइट करनी है। ओके, ये आपका चैप्टर टू का पोएम है। आपका चैप्टर टू का पोएम है रोमुलस एंड रीमस वर ट्विन, देयर फादर वॉज अ गॉड कॉल्ड मार्स हु हैड अ प्लैनेट नेम फॉर हिम एंड लॉट्स ऑफ चॉकलेट बार्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना पोएम आपको राइट करना है अपने रिवीजन वन में। ओके क्लास, समझ में आ गया ना। अब इसी तरीके से एक और पोएम हम राइट करेंगे, रिवीजन वन में ही करेंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो रिवीजन वन। बेटा हम लोग चैप्टर फोर व्हाई नोबडी पेट्स द लायन एट द जू का फोर लाइन पोएम राइट करेंगे। आपका पोएम कौन सा है देख लेते हैं। दिस इज योर फोर लाइन पोएम। ओके क्लास, द मॉर्निंग दैट्स द वर्ल्ड बिगेन द लायन ग्रोल अर्थ मैन एंड आई सस्पेक्ट द लायन माइट इट हैड बीन क्लोजर हैड टाइड अ बाइट। ओके डियर, ये आपका ये भी रिवीजन वर्क वन है। ओके, इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि आपको दोनों पोएम इंग्लिश रिवीजन नोट्स में राइट करना है और लर्न करना है और यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना है। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, आप चैप्टर टू से फोर लाइन पोएम एंड चैप्टर फोर से फोर लाइन पोएम को इंग्लिश रिवीजन नोट्स में राइट करेंगे। बच्चों, ये आपका रिवीजन वन है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको लर्न करना है इसलिए आपके चैप्टर को रिवाइज किया जा रहा है। सभी बच्चों का मेन मोटिव रिवीजन वन को लर्न करना है। ओके, सबसे पहले आप राइट करिए फिर उसके बाद से लर्न करिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज से आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट होता है। All dear student prepared for your unit test, write clear and neat work in your English notes. Take care dear student, thank you.